बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको वसंत भाग दो का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने चल रही हूँ। अब चूंकि ये विज्ञान से संबंधित पाठ है कि हमारे शरीर में रक्त का योगदान क्या है, कितनी मात्रा होती है, रक्त की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, हमारे शरीर में किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, यदि खान पान सही नहीं होगा, शरीर में रक्त सही नहीं होगा, आपके अंदर श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण जो रक्त के भाग होते हैं उनकी मात्रा सही नहीं होगी तो आप विभिन्न बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तो रक्त का यानी खून का, ब्लड का हमारे शरीर में क्या महत्व है, कितना होना चाहिए, क्या खान पान करें तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, कैसे हम उसे देख सकते हैं, तो इस विज्ञान के विषय से जुड़े हुए इस पाठ को यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है जिसमें अनिल और दिव्या भाई बहन हैं और अनिल बड़ा है और दिव्या छोटी है, जो अपनी छोटी बहन को डॉक्टर को दिखाने ले जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे रक्त की कमी है। अब नन्हे से बच्चे को इतने कम में बताई गई बात का मतलब समझ में नहीं आता कि रक्त की कमी क्या है और क्यों होती है, तो डॉक्टर ने उसी बात को अनिल को जो समझाया है उसी माध्यम से हमें भी ये बताया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या योगदान है और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को इन्होंने यही दिव्या और अनिल नामक बच्चे के साथ जोड़कर कहानी के रूप में हमें समझाया है जो मैं अब आपको पढ़ाने चल रही हूँ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब पाठ की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यद्यपि वो शुरू से कमजोर थी लेकिन फिर भी कमजोरी के साथ साथ इधर कुछ दिनों से उसे विशेष कमजोरी हो गई थी, बहुत थकान महसूस हो रही थी, हर समय उसे आलस्य और थकान लगती थी, भूख भी उसकी कम हो गई थी, तो लगा कि कोई खास बीमारी उसे हो गई है और जिसके कारण लोगों का विचार बना कि उसे डॉक्टर को दिखाकर समझना चाहिए। जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि दिव्या में लगता है कि खून की कमी है। अब खून की कमी एक साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो वो क्या है, क्यों होती है, किसे कहते हैं, तमाम सवाल मन में उठ सकते हैं।
और डॉक्टर भी ऐसी चीज को बिना जांच कराए भली प्रकार नहीं कह सकता। तो उन्होंने दिव्या के खून की जांच के लिए लिख दिया। उसी अस्पताल में बगल के कमरे में, जैसे हमारे शहर में पैथोलॉजी होती है जहां खून इत्यादि शरीर के हर भाग की जांच होती है, तो उसे भी ले जाया गया और उसके खून की जांच की गई। संजोग अच्छा था कि जब अनिल दिव्या को लेकर बगल के कमरे में जाता है तो वहां पर उसके पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं, जिससे अनिल थोड़ा खुला था। तो उन्होंने जैसे ही देखा, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? उन्होंने देखते ही अनिल को पहचान लिया और तुरंत ही पूछा कि कैसे अस्पताल में तुम्हारा आना हो गया। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने बताया कि मैं अपनी छोटी बहन को लेकर डॉक्टर के पास आया हूँ और डॉक्टर ने खून की जांच के लिए लिखा है और डॉक्टर ने मुझे आपके पास भेजा है, आपके पास भेजा है। ये कहकर अनिल ने डॉक्टर दीदी को सारी बात बताई। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी। अब रक्त की जांच यदि करना होता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि हाथ को ऊपर से बांध कर टाइट बांध दिया जाता है और सिरिंज से नस में, पतली नस में जो नीली दिखती है उसमें से एक सिरिंज भर कर रक्त ले लिया जाता है और जांच की जाती है। पहले के समय में मुझे याद आता है कि शीशे की प्लेटों पर, पतली पतली प्लेटों पर उंगली के आगे के हिस्से में सुई से हल्का सा छेद करके जब रक्त की बूंदें निकलने लगती तो रक्त की बूंदों से उस शीशी पर 3-4 जगहों पर निशान बना देते थे। गाढ़े गाढ़े थक्के लग जाते थे और उन्हें हवा में थोड़ा सा सुखा दिया जाता था और फिर उसके बाद उसे रख लिया जाता था। 1-2 दिनों के बाद जांच होकर उसकी रिपोर्ट मिल जाती थी। आजकल सिरिंज से खून को एक सिरिंज, आधे सिरिंज के आसपास, कुछ ml के आसपास निकाला जाता है और उससे जांच की जाती है, फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है। तो उन्होंने भी दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदें ली, तो संभवतः पुराने तरीके से रक्त यहाँ पर उंगली में एक टिप पर एक सुई से छोटा सा छेद किया और छेद करने के बाद जब कुछ बूंदें निकली तो उसको शीशे की प्लेट पर चिपका दिया। तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और फिर रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड कहते हैं उस शीशे की प्लेट को, स्लाइड कहते हैं, तो स्लाइड पर उसे लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, जांच करने में कुछ समय तो लगता ही है, तो जांच हो जाने के बाद तुम कल आ करके रिपोर्ट ले जाना। किसी भी जांच को करने में थोड़ा समय लगता है, तो जब हम खून वगैरह की जांच कराते हैं तो देख के चले आते हैं, उस पर नाम, पता, उम्र सब लिख लिया जाता है कि ये किसका है, किसी से किसी का सैंपल अलग मिले ना। ऐसे स्थिति में हर हालत में वो क्या करते हैं कि 1-2 दिन 3 दिन जैसी जांच हो लगाकर फिर जब निकल आता है तो उसके रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, सब एक कागज में रिपोर्ट की तरह तैयार करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, वो जमा कर देते हैं।
तो अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे से के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब होता है खटखटाना, नॉक करना, तो जो कि तरीका होता है कि किसी के कमरे में जाने के पहले आप दरवाजे को एक दस्तक दीजिए, आवाज दीजिए। जब अंदर से कोई आवाज आए या आप उनसे पूछिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन वगैरह कह के आज्ञा लेके फिर कमरे के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो उसने भी दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, तो भीतर से आवाज आई, आ जाओ। तो अंदर से डॉक्टर दीदी ने कहा कि आ जाओ। अनिल कमरे में चला जाता है, कमरे में प्रवेश करता है और प्रवेश किया तो पाया कि उसने देखा कि डॉक्टर दीदी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं, यानी कि वो पैथोलॉजी में थी। तो वो क्या कर रही हैं कि एक स्लाइड पर जहां रक्त की बूंदें लगी हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर उसे जांच कर रही हैं। दीदी के इशारे पर वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। चूंकि वो काम कर रही थी और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको बीच में बिल्कुल रोकना कठिन होता है, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने अनिल को इशारा कर दिया कि तुम बैठो, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ या तुम्हें अभी रिपोर्ट देती हूँ। तो उन्होंने अनिल को इशारा किया, अनिल बैठ गया। अनिल चुपचाप बगल में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप डॉक्टर दीदी को देखता रहा कि वो कैसे जांच का कार्य कर रही हैं। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अब जब उन्होंने जांच का काम पूरा कर लिया तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ किया और तौलिए से पोछा, फिर वो अनिल के पास चली आई और अनिल को बताने और समझाने लगी कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया जो है वो एक प्रकार की बीमारी का नाम है। एनीमिया नामक बीमारी में रक्त की कमी हो जाती है और जब रक्त की कमी हो जाती है तो शरीर में एक पीलापन आ जाता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत ज़्यादा निद्रा नींद आती है, भूख कम हो जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनीमिया के कारण, रक्त की कमी के कारण होती हैं। तो इस बीमारी का नाम, रक्त की कमी की बीमारी का नाम है एनीमिया, अंडरलाइन कर लीजिए। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। वास्तव में चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन एनीमिया होने पर, एनेमिक हो जाने पर प्रायः आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हरी सब्जियां, दूध, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में नहीं लेंगे तो शरीर में रक्त बनने की जो क्रिया है वो धीमी होगी। रक्त में जो हीमोग्लोबिन नामक तत्व होता है, जो जिससे खून की मात्रा जांची जाती है, अगर वो कम होगी तो फिर रक्त की कमी बनी रहेगी, आंखों के नीचे कालापन आ जाएगा, आंखों की रोशनी घट सकती है, या आपको थकान, सिर दर्द, कमजोरी, खान पान अच्छी तरह से ना होना वगैरह हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं,
अब जो कि अनिल भी छोटा ही था और अपनी छोटी बहन के बारे में जब उसने सुना तो उसके मन में आया कि कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसने डॉक्टर दीदी से कहा कि मुझे कुछ और जानकारी लेना है, यदि आप कहें तो मैं कुछ पूछूं आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो चूंकि वो डॉक्टर थी और किसी मरीज के, रोगी के मन में या रोगी के परिवार वालों के मन में अगर किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए रोग को लेके, बीमारी को लेकर, दवा को लेकर, खान पान को लेके, तो उसको पूरा अधिकार होता है कि वो डॉक्टर से सलाह ले, सलाह मशविरा करे, कारण पूछे और अपनी जानकारी को बढ़ाए, और यदि खान पान से ठीक होने वाली बीमारी है तो वो जानकारी ले, यानी उस बीमारी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी जो मन में होनी होती है, उत्सुकता जगती है कि मुझे ये जानना है, वो सब बताने के लिए डॉक्टर तैयार रहता है। तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ क्यों नहीं। तो सबसे पहला सवाल अनिल ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। सीधी सी बात है, यदि कोई डॉक्टर नहीं है, विज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, साधारण परिवार से है, साधारण पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उसे एनीमिया क्या है जानने की इच्छा तो जरूर होगी कि ये क्या है, इसमें क्या होता है। तो अनिल के मन में भी ये इच्छा जगी, तो उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने सवाल किया। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, उन्होंने कहा। देखो एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें सबसे पहले पूरी रक्त की, खून की पूरी चीजें जाननी चाहिए। अगर तुम खून की पूरी चीजें नहीं जानते हो तो एनीमिया के बारे में जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। अब उन्होंने बताया कि जो देखने पर सोचा जाए तो खून का जो रंग होता है वो लाल होता है और तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ कहना चाहिए। तो लाल रंग का द्रव, द्रव यानी जो गीला हो, लिक्विड जिसको आप कहते हैं, पानी की तरह बहने वाला। तो उन्होंने कहा कि ये लाल रंग का एक द्रव है, द्रव जैसा दिखाई पड़ता है, और किंतु उस इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानमती के पिटारे से कम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वास्तव में ये भानमती का पिटारा है। अब भानमती के पिटारा कहने का क्या मतलब, कि एक बूंद रक्त के भीतर इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, जिसे देख करके उन्होंने एक उदाहरण दिया, भानुमती का पिटारा। भानुमती का पिटारा कहने से जो तात्पर्य है वो ये है कि जैसे किसी छोटी सी डलिया या डोलची या पिटारे के अंदर बहुत सारी चीजें भर दी जाएं और हम कहें अरे ये तो भानु, इसमें तो सब कुछ है, भानुमती का पिटारा है, कहने का मतलब से बहुत सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर दीदी ने भी अनिल से कहा कि देखो अनिल, ये खून जो है, ये जो रक्त तुम देख रहे हो, ये वास्तव में अपने में भानुमती का पिटारा है। इस बूंद के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए वो बताती हैं क्या क्या होता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह
जो तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक मोटे तौर पर छोटी मोटी बात, बिना विज्ञान बिना डॉक्टर वाले को यदि पढ़ाना और बताना हो तो हम क्या करते हैं कि उसकी बारीक जानकारियों की जगह उसकी मोटी और गंभीर जानकारियां जो हैं वो दे देते हैं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मोटे तौर पर आपसे बात की जाए तो ये होगा कि खून के या रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तो वो होता है जो तरल, तरल मतलब होता है लिक्विड, गीला होता है पानी की तरह। तो एक भाग तो वह होता है जो तरल होता है और उस भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और उनका एक, देखिए खून के दो भाग हो गए, एक भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग को हम जो छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं जिनमें कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। तो मतलब हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पर बना कर बता देते हैं कि रक्त के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है तरल भाग, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और दूसरा जो भाग होता है उसका, उसमें क्या होता है, सफेद कण होते हैं, लाल कण होते हैं और कुछ कण रंगहीन होते हैं, मतलब उनमें कोई रंग नहीं दिखाई पड़ता है, तरल पदार्थ की तरह होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर एक भाग बन जाता है और एक भाग तरल होता है प्लाज्मा। ये चिपचिपा बिल्कुल होता है और ये हमारे शरीर के जो रक्त होता है उसकी मात्रा बताते हैं। जितना अधिक सफेद कण आपके अंदर होगा उतनी अच्छे आपके अंदर की बॉडी इम्यूनिटी होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। ये रक्त कण हमेशा ऐसा नहीं होता कि रक्त कण एक बार बन गए तो बस हमेशा हमेशा के लिए बन गए। इनका बनना बिगड़ना पूरे समय आपके शरीर में चलता रहता है और ये प्रक्रिया की तरह है। तो आपके खान पान के हिसाब से ये बनना बिगड़ना इनका हमेशा होता रहता है। तो इन्होंने बताया कि एक होता है हिस्सा उसका जिसको प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे हिस्सों में कुछ लाल और सफ़ेद कण होते हैं और कुछ तरल जो यहाँ मैंने लिखा रंग है, इनको हम बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबका अलग अलग भाग है और उस अलग अलग भाग में जो सबका अलग अलग महत्व भी है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड लगाई और उस स्लाइड को लगा करके उन्होंने अनिल को दिखाया कि आओ इसमें देखो अनिल, तुम्हें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि खून के अंदर क्या क्या होता और कैसा दिखता है। तो उन्होंने अनिल को बुला लिया, एक स्लाइड लगा दी और फोकस किया और दिखाया और कहा कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। फिर उन्होंने अनिल को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में आंख लगाकर बिल्कुल देखने को कहा और जब उन्होंने देखा तो साथ में उन्होंने बताया कि जो तुम्हें दिख रहा है ये खून के अंदर का जो है वो लाल कण है, जो आपकी मात्रा बताता है कि खून की मात्रा आपकी सही है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, वो है कि नहीं है, तो वो उससे पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है
ये आपके लाल कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अब स्लाइड को जब देखा अनिल ने, तो उसने तो पहले कभी ये सब कुछ देखा नहीं था। माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखा तो कण भर की चीजें भी उसे बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही थी। बड़े बड़े कण उसमें थे और बालूशाही के आकार के, जैसे बालूशाही होती है कि बिल्कुल कैसे ऐसे, ये कहके कि ये ऐसे गोल होते हैं और बीच का हिस्सा जो होता है उसमें हल्का सा दबा होता है, ये हिस्सा हल्का सा दबा होता है। इसी तरीके से सब जो रक्त कण होते हैं इसी तरीके से उसमें इसी तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से एक साथ झुंड की तरह ये कण एक दूसरे में ऐसे चिपके रहते हैं। इनको चिपकाने में प्लाज्मा का भी बहुत योगदान रहता है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं देखने पर इस तरह से लगते हैं। तो उन्होंने दिखाया तो वो चौंक पड़ता है। नन्हे नन्हे जो कण रहते हैं वो कण बिल्कुल कैसे दिखते हैं, बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, बालूशाही की तरह लगते हैं। उछल पड़ा अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। तो वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक बूंद स्लाइड के ऊपर उंगली से निकाली हुई एक ड्रॉप को डॉट की तरह लगा दिया गया। और जब उसने देखा तो उसने उसे लगा कि एक बूंद रक्त में इतने सारे कण, तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो उसने कहा कि इन्हें देखकर कैसा उसे लगता है कि जैसे बालूशाही हो और सब अगल बगल छोटी छोटी हो और एक के पास एक अगल बगल सटा के रख दी गई हो, बिल्कुल उसी आकार के जैसे मैंने ये चित्र बनाया है। इसी तरीके से वो छोटे छोटे होते हैं, बीच का हिस्सा जो होता है हल्का सा पिचका होता है और कण जो होते हैं एक दूसरे में बिल्कुल पास पास होते हैं। तो बिल्कुल लग रहा था कि मानो बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लाल रक्त कण जो होता है वो वास्तव में बालूशाही की तरह ही होता है। वो कण बीच से हिस्सा उसका पिचका होता है और किनारे का हिस्सा जो होता है वो फूला हुआ होता है, तो देखने में बिल्कुल बालूशाही के आकार का ही लगता है। गोल और दोनों तरफ से अवतल, अवतल का मतलब ऊपर नीचे से बिल्कुल ऐसे पिचका हुआ, एक गोलाई होगी, जैसे किसी गोल चीज को लेके हम बीच से उसको उंगली से दबा दें, ऐसे करके उसको दबा दें, तो ऐसे दबाने से वो क्या होगा कि बीच से पिचक जाएगा, तो वो पिचका हुआ हिस्सा बीच का, ऐसा ही उसका जो स्वरूप होता है वो होता है। गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी चिपटा, बीच में दबे हुए, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अंडरलाइन कर लीजिए किताब के ऊपर कि उन्होंने कहा कि रक्त की एक बूंद में इसकी संख्या लाखों के बराबर होती है और हम साधारण रूप से आंखों से इन्हें देख भी नहीं सकते, इसलिए इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर रक्त के अंदर 40 से 55 लाख कण होते हैं। इन्हीं के आधार पर माना जाता है कि ये रक्त की मात्रा आपकी सही है अथवा गलत है। तो 40 से 55 लाख कण उसमें मिलते हैं। इनके कण ही हमें लाल रक्त कण लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। यही रक्त कण जो होते हैं वो
व्यक्ति को देखने में लाल रंग का होता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। इनका काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, उसका लेवल बराबर रखना। और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये रक्तकण 4 महीने तक रहते हैं, फिर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो इनका नष्ट होना और इनका बनना, ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसीलिए जब ये चलती रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, आज कुछ कल कुछ और अगले दिन कुछ। तो धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं और धीरे धीरे जब नष्ट होते हैं तो धीरे धीरे बनते भी रहते हैं, यानी कि बनने का क्रम और नष्ट होने का क्रम निरंतर चलता रहता है। लेकिन अगर रक्त बनेगा नहीं और नष्ट होने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो वो नुकसानदायक है। तो एक अच्छे भोज्य पदार्थ के माध्यम से और अच्छे बीमारी हो जाने पर अच्छे चिकित्सक के माध्यम से ये सारी चीज़ों को हम नियमित रूप से जांच करके सही ढंग से रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, इसके आगे के हिस्से को मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।